Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. बहुत आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड यू विल गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस वीडियो. आपको आध्यात्मिक जो है मैं मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से, और मेरा ये आपसे प्रेरणा भी मिलेगी. प्रेरणा मोटिवेशन सेम थिंग है, मिलेगी इस वीडियो से. नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न स्कॉलर्स बोलते हैं 497 ईस्वी में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, एस्टेब्लिश्ड, और करीब 700-800 साल चली. और चाइनीज ने यहां से, बहुत सारे चाइनीज स्कॉलर्स आते थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, चाइनीज नहीं बोलेंगे, तिब्बतन या अपने बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आते थे, यहां से अपनी कॉपीज बनाते थे वेदों की, पुराणों की, रामायण की, महाभारत की, उसको लेके जाते थे तिब्बत में पढ़ाने के लिए. इसलिए जितना भी बुद्धिस्ट अब आप देखते हैं दुनिया में, सब कुछ बुद्धिस्ट नहीं है. बुद्धिस्ट के नाम पे एक्चुअली सनातन धर्म की एजुकेशन है. आप साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए, मेजोरिटी ऑफ जो चाइना ऑक्यूपाइड लैंड है, तिब्बत है, पार्ट्स ऑफ मंगोलिया, इनर मंगोलिया, सब चाइनीज ऑक्यूपाइड लैंड है. उधर हर जगह बुद्धिस्ट के नाम पर एक्चुअली हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू मंदिर ही हैं. आप बिल्कुल भी इसमें संकोच नहीं करिए बोलने के लिए. मैंने बहुत रिसर्च किया इसके टॉपिक के ऊपर, मेरी बुक भी है द ओरिजिनल एटलस, उसमें मैंने जगह जगह बहुत सारे बुद्धिस्ट मंदिरों को बताया है कि वो हिंदू मंदिर ही है एक्चुअली. तो मतलब सनातन धर्म को बचाने के लिए, मतलब नाम चाहे इन्होंने बुद्धिस्ट दिए, वेस्टर्न लोगों ने बुद्धिज्म बोला है, लेकिन बुद्ध, बुद्ध तो विष्णु को भी बोला जाता है, बुद्ध विष्णु का ही इनकार्नेशन है. बुद्ध बुद्ध जो है विष्णु का ही अवतार है. भागवत पुराण में बिल्कुल सही बिल्कुल लिखा गया, क्लियरली लिखा हुआ है कि कटेशु, मतलब जो बुद्ध का पहला अवतार बोला गया कलयुग का, कलयुग में पहला अवतार विष्णु का बुद्ध है. तो हर जगह आपको बुद्ध के मंदिर मिलेंगे, तो सारे वो विष्णु के ही मंदिर है, उनमें सनातन धर्म का ही एजुकेशन है. और जो जो आपको जो बुद्ध का जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया, वो जो स्पेसिफिक फिलॉसफी है वो सिर्फ छोटे से प्रांत भारत में है और कुछ प्रांतों में चीन और उधर पहुंची हुई है. तो ओरिजिनल जो बुद्धिज्म है वो हमारा सनातन धर्म ही है. वहां नाम उसको बुद्ध दिया हुआ है. तो बुद्ध अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे विष्णु को भी बुद्ध बोला जाता है, कृष्ण को भी बुद्ध बोला जाता है, मतलब उनके कल्चर में. व्यतिकुलेश्वर कृष्ण का नाम है, तो शिव जी का भी नाम है. तो ये सब बुद्ध के ही मंदिर, मतलब बुद्धों बुद्ध बौद्धिक जो आपको स्थल मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, वो सभी बुद्ध के ही स्थल हैं. बुद्ध मतलब जो विष्णु का अवतार माना गया है, तो उसको सनातन धर्म से अलग मत मानिए. मैं इसलिए बड़ा खुश हूं नालंदा यूनिवर्सिटी के वापस आने से कि अब पहली बार हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी से, मुझे ऐसा लगता है अगर सत्तोलॉजी का डिपार्टमेंट स्थापित किया जाए वहां पर, इट विल बी ए ग्रेट बोन. वहां पे हम लोग इन सभी सत्यों को हम लोग वापस स्थापित कर सकते हैं. जैसे किस तरह जो है जो हिंदू देवी देवता हैं, जो मतलब हमारे वेदों के देवी देवता, वेदों में वर्णित है, वेदों पुराणों में, महाभारत में, वो वास्तविक लोग हैं, उनको कभी भी काल्पनिक न मानिए, वो वास्तविक लोग हैं. शिवजी वास्तविक है, गणेश जी वास्तविक है, स्कंद वास्तविक है, मतलब ये एक्चुअली में इनका एग्जिस्टेंस शास्त्रों में जो लिखा हुआ वो एकदम सही है, क्योंकि आप उनको मंत्र के द्वारा आप वापस उनको सजीवित कर देते हैं अपने सामने, अपनी आंखों के सामने. तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये यूनिवर्सिटी जो है वापस स्थापित हो रही है, और जिन लोगों ने इसकी स्थापना में मदद करी है, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने गवर्नमेंट से पैसा लगाया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. क्योंकि ये काम ऐसा है, ये मुझे मोदी 3.0 का सबसे बड़ा काम लगता है, सबसे बड़ा काम. बाकी सब तो हो गए, लेकिन ये सबसे बड़ा काम है. अब इसमें मैं चाहता हूं कि भारतीय एजुकेशन मिनिस्ट्री एक महाभारत का डिपार्टमेंट स्थापित करे, एक रामायण का डिपार्टमेंट स्थापित करे, और उसमें सारे जो धार्मिक स्कॉलर्स हैं, जो वेदों को तोड़ने के लिए विश्वास नहीं करते, जो वेदों के साथ चलते हैं, पुराणों के साथ चलते हैं, जिनको अपनी परंपराओं में विश्वास है, चाहे रामानुज की हो, चाहे मध्वा की हो, चाहे वल्लभाचार्य की हो,
इन सभी के साथ हम उनको मतलब इन परंपराओं के साथ आगे बढ़ाए। परंपराओं तो ऐसा होना चाहिए कि एक महाभारत का डिपार्टमेंट हो और जिसमें रामानुज की परंपरा स्थापित हो, एक माध्वाचार्य की परंपरा स्थापित हो, एक आदि शंकराचार्य की परंपरा स्थापित हो, जितने भी हमारे प्रधान गुरु हैं, प्रधान जो हमारे संप्रदाय हैं, उन सब की एक पीठ स्थापित हो जो इन सभी श्लोकों पे अलग रूप से, तो लोग चुनने के पास चॉइस रहेगा, आप इधर जाके सुन सकते हैं, इधर जाके सुन सकते हैं, इस पे सुन सकते हैं, और फिर इन सबको कंबाइंड एग्जाम हो, तो लोग चारों तरह के मतों को आगे रखें। अगर ऐसी वास्तविक एजुकेशन होगी तो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि विश्व को इसकी जरूरत है। विश्व को तो सभी वेदों के ज्ञान को योग बोला जाता है, एवं व्यवस्थे योगम प्रोक्तवान अहम अभयम, भगवान बोलते हैं चौथे चैप्टर में। तो उससे बहुत आगे जाएगा भारतीय सभ्यता, क्योंकि हमको भारतीय सभ्यता की बहुत जरूरत है। पूरा विश्व भारत आना चाहता है, भारत की वास्तविक सभ्यता की इंपॉर्टेंस देखते हुए, जो कि जो हमारे पास फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स हैं, जो हमारा प्रैक्टिस है योग का, दैट इज वेरी वेरी एडवांस्ड। और दुनिया भर में जो इतने लोगों को झूठ, मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने के प्रोग्राम चलते हैं होलिस्टिक के नाम पर, वो सारे बंद होंगे, क्योंकि नालंदा विल बिकम द गोल्डन सेंटर, गोल्डन स्टैंडर्ड। ये मेरा मतलब एक तरीके का इच्छा है, अभिलाषा है। इसमें मेरा तो कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, आप सभी जानते हैं कि मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। मेरा सबसे बड़ा कनेक्शन है मध्वाचार्य की परंपरा और हमारे रामानुजाचार्य या आदि शंकराचार्य, हमारे आचार्यों की परंपरा ही मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन है, मान लीजिए आप। लेकिन उसके अलावा कोई और है नहीं। तो मेरा विनती होगा लोगों से कि इस पे किस तरह हम आगे डिपार्टमेंट्स को स्थापित करें। एक ज्योतिष का डिपार्टमेंट होना चाहिए अंदर, एक जो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं कॉस्मोलॉजी, उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि हम भारतीय तरीके से कॉस्मोलॉजी सीखें। भूमि का विवरण शास्त्रों में कुछ और ही है, जो आजकल पढ़ाया जाता है वो नहीं है। तो उस भूमि पे रिसर्च हो, क्या वो सही है क्या नहीं है। जैसे कुछ मापदंड मैंने दिए हैं कि मेरू पर्वत जो है खान टेगरी पहाड़ है, और जंगुसू चोकुसू दोनों एक साथ ही है, एक मंदार है एक मेरू है, और तो उसी तरह का गंधमादन पहाड़ की तरह, शतशृंग पहाड़ की तरह, ये सब इस पे थोड़ा रिसर्च हो कि क्यों उसको भद्राश्व वर्ष बोला जाता है, जो मेरु के पूर्वी भाग है, पश्चिम भाग की तुमाल क्यों है, लक्षद्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप में कौन कौन सी नदियां हैं। मैं उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। जो हमारा साउथ अमेरिका है उसको पुष्कर द्वीप क्यों बोला जाता है, कौन से द्वीप क्यों ऐसा बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को शालमली द्वीप क्यों बोला जाता है, कुछ द्वीप की जो विवरण है, जो उसका इंडोनेशिया सब आइलैंड से उसका विवरण कैसा है, तो ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत है। इससे क्या क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो हमको जो एक तो हमारा ट्रैवल टाइम, एयर ट्रैवल टाइम, और जो हमारा सूर्य की गति का जो मूवमेंट है, उसके अनुसार हमारा ज्योतिष, जो हमारे जो मंत्र की साधना अच्छी होगी, उससे हमारे हमारे जो डेवलपमेंट है उसमें वास्तविकता आएगी। जैसे दुनिया भर के जो पगान शमन लोग हैं जिनको पगान एक तरह गाली है, शमन एक तरह का गाली है चर्च के द्वारा, अभी इन सभी लोगों को उधर इंक्लूड किया जाए कि नेटिव अमेरिकन कौन से द्वीप के जो मूल निवासी हैं, उनके धर्म की स्थापना वापस हो नालंदा डिपार्टमेंट में। जो हमारे जो शालमली द्वीप के मूल निवासी अबोरिजिन्स बोलते हैं, जिनको माओरी बोलते हैं न्यूजीलैंड में, उनकी उनकी धर्म की स्थापना हो नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो दुनिया भर के जो इंडिजिनस नेटिव कम्युनिटीज हैं, उनका एक डिपार्टमेंट स्थापित हो नालंदा यूनिवर्सिटी में। और क्योंकि मैंने मतलब शास्त्रों से ही है, मेरा प्रेडिक्शन है कि अगला भारत का राजा मगध से आएगा, मतलब अगला मीन्स कलयुग के अंत के समय तक, मैं बहुत लंबे समय की बात कर रहा हूँ, वो राजा मगध से ही आएगा। और इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अब ये जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है, अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी भारतीयों की होनी चाहिए जो धार्मिक है और जो जिनको ज्ञान में एक्चुअली इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा सभ्यता ज्ञान पे आधारित है, विज्ञान पे आधारित है। विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान मतलब जिसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया उसी को विज्ञान बोलते हैं। मतलब एक तरीके का उसको आप साइंस में लूजली ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश वर्ड साइंस विज्ञान को नहीं दर्शाता पूरी तरह से, क्योंकि वहां पे वृत्तियों की बात नहीं हो रही है, योग की बात नहीं हो रही है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही है, अहंकार को कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है। और मुझे मोदी 3.0 की बिगेस्ट अचीवमेंट लगती है इस
नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापित होना और शुरू में ये स्थापित होना ये बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लोग इसको बहुत ही कम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि सब लोग डिस्कस करें। हम लोग भी बहुत सारे शोज बनाते हैं और इधर उधर की बातें हम लोग करते हैं, स्टडी जी के स्टडी जी वो ये वो, लेकिन दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट सो फार, मोदी 3.0। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने इसे सहयोग किया, बिहार गवर्नमेंट जिन जिन लोगों ने किया, मैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये बहुत बड़ा काम किया है। और मैं इसकी ओर बहुत देर से देख रहा था और मुझे लगा कि आज इस पे बोलना ही चाहिए थोड़ा सा। तो आपको कुछ दिखाता हूं, इसके सिंबल दिखाता हूं। ये जो सिंबल है ये नालंदा यूनिवर्सिटी का सिंबल है, और उसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं जो कि यहाँ पे, ये पुरानी यूनिवर्सिटी है, आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इसमें कार्य हो रहा है। और ये अब जो नया यूनिवर्सिटी बना है इसके साथ, इट विल बी फिनोमिनल। तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, एंड आई थिंक वी शुड ऑल अप्रिशिएट इट। और इसमें हम अपना सब लोग अपना सहयोग करें कि किस तरह इस यूनिवर्सिटी को आगे लेकर जाया जाए। मैं थोड़ा सा इसका और इतिहास थोड़ा शेयर करूंगा कि ये विकिपीडिया का इंफॉर्मेशन है कि ये जो 427 में स्थापित की गई थी, और इसके नए चांसलर भी बने अरविंद पनागरिया जी, उनको हम बुलाना चाहते हैं सत्यालोक चैनल पे। अगर आप लोग किसी और, अगर आपको बिहार से है, कहीं से भी है, अगर आपको उनके बारे में कुछ मालूम हो तो प्लीज मुझे कनेक्ट कराइएगा उनसे, सो दैट वी कैन इनवाइट। ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नहीं थी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा जिसे जो विकिपीडिया में लिखा हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का यूनिवर्सिटी है, ज्ञान की विश्वविद्यालय है, उसमें हर प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, वैष्णव शैव मतलब जो भी हमारे सनातन धर्म की परंपरा है उन सबका ज्ञान दिया जाता था। और ये बहुत ही अच्छी जगह स्थापित हुई, राजगीर में स्थापित हुई है। राजगीर जो है, जो आज राजगीर हम बोलते हैं, उसका पुराना नाम तो आप सबको बहुत बार मालूम है, वो क्वेश्चन भी रहेगा आपसे, आप मुझे लिखिए कि, तो जो चलिए बता ही देता हूँ, गिरिवचक। तो जो राजगीर है वो वही जगह है जहां पर जरासंध का को भगवान ने एक लीला में उनको धन भी दिलवाया था जरासंध को, और वो वही जगह है जहां पे जरासंध के पुत्र वहां पे राजा बन गए थे, वो भी वहां पे सहदेव, ये वही जगह है। और इसके पास ही बड़े सुंदर सुंदर जगह भी हैं, जहां पे आप गिरिव्रज के पास में सुंदर जगह भी है, इसका पुराना नाम गिरिव्रज है, और यहाँ पे कृष्ण की लीला हुई है। यही इसी लीला में बहुत सारे जो तथ्य सामने आए थे गिरिव्रज के बारे में, और इसी के पास में सिद्धाश्रम भी है। तो ये सब जगहों का एक साथ होना, गया के पास में है, गया ज्यादा दूर नहीं है, इन सब जगहों का एक साथ होना दिखाता है कि ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती जो नाम दिया गया, मतलब जो ये लोग बुद्धिस्ट बोल रहे हैं। हम लोग जो बुद्ध के बारे में बोल रहे हैं वो अलग है, तो वो हो ही नहीं सकती। तो ये उसका है। अभी मैं आपको इसको कुछ और इसकी पिक्चर दिखाता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो ये एक ऐसा इंसिडेंट है भारत के इतिहास में कि जो हम सबको एक नया जो है एक नया ऑब्जेक्टिव देता है कि हम अपनी ज्ञान की परंपराओं को आगे लेके जाएं। और सत्यालोजी तो एजुकेशन मूवमेंट है, नॉन प्रॉफिट है, रिलीजियस आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी बनाने में हमारी सहायता कर सकते हैं कि हम एक बड़े स्तर पर कार्य करें, स्टाफ को रिक्रूट करें, रिसर्चर्स को रिक्रूट करें। इसलिए आप हमको सपोर्ट करिए, हमको बड़े फंड्स चाहिए ताकि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकें। और अमेरिका में इसको हम लोग तो बहुत ही अच्छा ये कदम है, और मैं चाहता हूँ साधुवाद सभी लोगों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जिन्होंने आके इसका उद्घाटन किया अपना समय निकाल के, और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका भी बहुत बहुत उनका साधुवाद कि उन्होंने ये सब काम किया। और ये बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य, बहुत नेक कार्य है। मुझे ये पूरे जो मोदी 3.0 की सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये वापस भारत की संप्रभुता, मतलब भारत की जो सामरिक शक्ति है उसको वापस स्थापित करेगी। बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी बनाई है उसी तरह के लाल रेड ब्रिक्स के अंदर। मैं चाहता हूँ कि जो जो यहाँ पे जा रहे हैं और इस तरह कार्य करना चाहते हैं तो वो सभी लोग यहाँ पे आके अपने विद्या के को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं आपसे मिलूंगा डिटेल शो में किसी व्यक्ति के साथ।
जो इस विषय में हमारे साथ और भी कुछ शेयर करें। तब तक नमस्कार, जय जगन्नाथ, और फिर मिलेंगे अगले शो में।